हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ का अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट, उसमें का प्रैक्टिस सेट 3.6 में से क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए देखिए, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, इन ब्रैकेट में दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस्ट स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। ये क्या आपका पॉलिनोमियल है। बट हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसमें किस फॉर्म में क्वेश्चन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस फॉर्म में क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन था। तो अब देखिए क्या करना है, ए एक्स इसको भी हम पहले क्या कर लेंगे, इस फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और यहाँ पे भी क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, दोनों क्या है सेम है। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या कर लेंगे, पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू यम पुट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यम। यानी इस अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिया तो यहाँ पे यम होगा और एम रेस्ट टू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ओनली एम आ जाएगा और ये प्लस 12 यानी सी कॉन्स्टेंट के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, जो इक्वेशन है उसमें क्या पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस्ट टू स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। अब क्या करना है, जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है वहाँ पे एम पुट करना है। तो यहाँ पे है तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 8 वापस यहाँ पे है तो यानी यहाँ पे एम और ये प्लस 12। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हर बार यहाँ पे कुछ नहीं यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होता है तो 1 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 12 वन ज़ा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर निकालें जिनकी मल्टीप्लिकेशन 12 हो बट उनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, माइनस 8 आनी चाहिए। तो देखिए 6 2 ज़ा करोगे तो 12 हो जाएगा और इन लोगों की अगर एडिशन लोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और बड़े की साइन माइनस यानी माइनस 8 आंसर आ गया। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे m माइनस 6 ये एक फैक्टर हुआ और सेकेंड क्या हुआ m माइनस 2 ये फैक्टर हो गया। अब देखिए क्या हो गया, हम वापस क्या कर लेंगे, इसकी जगह पे क्या करना है, m की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एम पुट किया, अब वापस क्या करेंगे, m की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए पुट m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पुट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा m है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस 6 ये हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड वापस m है मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस 2 इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है ये m, यहाँ पे अब हमें क्या हो गया 2 पॉलिनोमियल्स मिल गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही माइनस 6 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नया नहीं 1 होता है तो 6 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 और उसके साथ माइनस है यानी माइनस 6। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, माइनस 6 फैक्टर, जो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 हो बस उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन माइनस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपने अगर यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 किया या फिर 2 3 ज़ा 6 किया, 3 2 ज़ा 6 किया, तो अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बड़े की साइन माइनस लेंगे, छोटे की साइन प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, माइनस 1 आ गया क्योंकि माइनस 3 में से 2 गए तो माइनस 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स माइनस 3 और एक बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 ये इसके फैक्टर हो गए। अब ये बच गया, इसका भी फैक्टर निकालना। अब ये यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 और उसके साथ माइनस है यानी माइनस 2 के ऐसे फैक्टर्स निकालने जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन माइनस 1 होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 होना चाहिए। तो अगर 2 1 ज़ा 2 किया तो माइनस और ये प्लस। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और बड़ी की संख्या 1 माइनस है इसलिए माइनस 1 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 आ गया। अब क्या करना है, ये माइनस 1 हो गया तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स माइनस 2 एक फर्स्ट फैक्टर हो गया और सेकेंड वाला क्या है एक्स प्लस 1 ये हो गया आपका, यानी ये आपका फर्स्ट वाला ये सॉल्व हो गया। मतलब अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा और इसको ये सॉल्व किया तो ये वाला आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला सॉल्व। नेक्स्ट सेकेंड देखिए क्या, एक्स माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर है माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24 है। तो अब देखिए x माइनस 5 है और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे अगर आपने 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे भी x माइनस 5 हो सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस,
अब देखिए अगर यहाँ पे से हमने क्या किया, 5 कॉमन निकाल लिया, तो अगर हमने 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स। 5 मल्टीप्लाई एक्स करोगे तो 5x, और क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है 25, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 हुआ तो 25 हो जाएगा। देखिए हो गया ना, 5 मल्टीप्लाई एक्स क्या 5x, माइनस का माइनस, 5 5 25, और ये माइनस 24 होगा। अब देखिए ये और ये सेम हो गया है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सेम ऊपर वाले की जगह क्या कर सकते हैं, x माइनस 5 की जगह पे m पुट कर सकते हैं, m। तो चलिए पुट करते हैं, तो x माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 माइनस 24। अब क्या करना है, x माइनस 5 की जगह पे m पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5 वापस x माइनस 5 यानी m माइनस 24। अब क्या हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता, यानी 1 होता है। अब क्या करना है, 20 माइनस 24 का ऐसे 2 नंबर्स निकालने जिनकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो माइनस 24 हो, बट उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, माइनस 5 आना चाहिए। तो देखिए 8 3 अगर आप करोगे तो क्या हो जाता है, 24 होता है, और हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए बड़े की साइन माइनस लगाएंगे, छोटे की साइन प्लस लगाएंगे। तो 8 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 5, और बड़े की साइन माइनस, इसलिए, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस 24, तो आ गया ना माइनस 5। अब क्या कर लेंगे, m माइनस 8 ये एक फैक्टर हो गया, और सेकेंड फैक्टर क्या हो गया, m प्लस 3 ये हो गया। अब वापस हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में जिस तरह से सॉल्व किया सेकेंड सेम इसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5, m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस 5 की जगह पे m पुट किया था, अब m की जगह पे x माइनस 5 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 5 यहाँ पे m की जगह पे और माइनस 8 ये होगा फर्स्ट वाला, और सेकेंड वापस क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और ये प्लस 3। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों की जो है प्लस, अब यहाँ पे माइनस माइनस है, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 13, और बड़े की साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, ये होगा फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड वाला क्या आएगा, देखिए x प्लस माइनस माइनस, और बड़े की साइन क्या है, माइनस, माइनस से बड़े की साइन, 5 में से 3 गए 2, ये हो गया आपका सेकेंड वाले का आंसर, ये हो गया आपका सेकेंड सॉल्व। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये क्या फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये और इतना टर्म जो है दोनों में क्या है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर बार जैसे पुट करते वैसे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 6x और एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू यम पुट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, ये हो गया आपका। अगर आपने इस तरह से सॉल्व किया तो बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम मतलब बहुत अवगढ़ हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और माइनस 64। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इतना बड़ा अगर आपने सॉल्व किया ये फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x की जगह पे m, यानी m स्क्वायर माइनस 8, वापस क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x यानी m, और इतना बचा हुआ क्या है, प्लस 8, यहाँ पे आएगा प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 64। अब देखिए क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, मालूम है आपको कैसे करते हैं, 8 से फर्स्ट टाइम इसको एक बार कर लेंगे और एक बार इससे इसको कर लेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई m किया तो 8m हो जाएगा, प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और 8 8 कितना होता है, 64, और ये माइनस 64। अब हम इसको क्या कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे, m स्क्वायर माइनस 8m और माइनस 64 और माइनस 64 क्या हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, तो 64 प्लस 64 कितना करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 128 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की साइन आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, नहीं क्या होता है, 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 128 क्या, तो माइनस 128 का फैक्टर निकालना है, ऐसे 2 नंबर्स निकालने जिनकी मल्टीप्लीकेशन -128 हो, बट उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन -8 आना चाहिए। अब देखिए 16 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो हो जाएगा 128, और क्या चाहिए हमें, माइनस चाहिए, इसलिए बड़े की साइन माइनस लेंगे, छोटे की साइन प्लस ले लेंगे, तो इन दोनों की सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगी, 16 माइनस 8 करोगे तो 8 और बड़े की साइन माइनस, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टर, m माइनस 16 ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड क्या हो जाएगा, m प्लस 8। अब क्या यहाँ पे जो है m माइनस 16 और m प्लस 8, तो
यहाँ पे हम m के रिप्लेसमेंट में मतलब m की जगह पे क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे क्या किया हमने x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू m यूज किया है, अब हम m इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स यूज कर लेंगे। तो पुट m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, तो यहाँ पे m है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस सिक्सटीन, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और प्लस एट, ये है देखिए। अब क्या करना है इनकी, अब इनका फैक्टर निकाल लेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, वन होता है, सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन किया है तो क्या हो जाएगा माइनस से इसके साथ, इसलिए माइनस सिक्सटीन। अभी माइनस सिक्सटीन के फैक्टर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपने एट टू जो सिक्सटीन किया और बड़े की साइन माइनस दी छोटे की साइन प्लस दी तो यहाँ पे आएगा माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स चाहिए आंसर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे एक एक्स टाइम, फर्स्ट टाइम क्या आएगा एट माइन एक्स माइनस एट आ जाएगा और सेकेंड एक्स प्लस टू आ जाएगा, ये हो गया इसके फैक्टर। सेकेंड क्या है देखिए एट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी वन है, एट मल्टीप्लाई वन किया तो एट हो जाएगा, और हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो एट, और एडिशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या चाहिए सिक्स चाहिए। तो देखिए अगर आपने फोर टू जा क्या किया एट किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बड़े की साइन क्या है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिक्स, और इन लोगों में माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा और फोर टू का एट हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस सिक्स। मतलब आप यहाँ क्या कर सकते हो एक्स माइनस फोर और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स माइनस टू। अगर आपने ये फैक्टर को सॉल्व किया तो आपका आंसर वापस ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो वापस ये पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए, ये पॉलिनोमियल में देखिए एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में ये इतना और ये इतना क्या है कॉमन टर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू क्या एम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए पुट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू एम, तो यहाँ पे क्या करेंगे एम पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल सॉरी माइनस थर्टी फाइव, तो यहाँ पे क्या आएगा m m प्लस थ्री, और यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा m प्लस फाइव और ये माइनस थर्टी फाइव। आप ये दो ब्रैकेट तो हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको पता होगा। m से क्या करेंगे पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस थ्री से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं m से, तो आप इस तरह से लिख सकते हो m m प्लस फाइव देन प्लस थ्री और m प्लस फाइव और माइनस थर्टी फाइव। अब m से m को मल्टीप्लाई किया हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस का प्लस फाइव मल्टीप्लाई m किया तो फाइव m, ये प्लस और थ्री मल्टीप्लाई m किया तो थ्री m, प्लस 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 फाइव थ्री का कितना होता है फिफ्टीन और ये माइनस थर्टी फाइव। अब देखिए m स्क्वायर प्लस फाइव m और थ्री m है तो क्या हो जाएगा इन लोगों की एडिशन एट m, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बड़े की साइन माइनस, थर्टी फाइव में से फाइव गया तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी। अब यहाँ पे कुछ नहीं यानी कोएफिशिएंट वन होता है, तो माइनस वन को माइनस ट्वेंटी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी के टू ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस ट्वेंटी हो, बट उनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए एट आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी टेन टू ज़ा ट्वेंटी क्या, टेन टू ज़ा कितना होता है ट्वेंटी होता है, अब इन दोनों में क्या चाहिए देखिए माइनस और ये प्लस कर दोगे, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस करोगे तब जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आएगा एट, बट हमें एडिशन चाहिए इसलिए हमने बड़े की साइन क्या दिया है प्लस दिया है, छोटे की साइन सब्सट्रैक्शन की दी है माइनस की दी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एम प्लस एट सॉरी एम प्लस टेन वन फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड क्या हो जाएगा एम माइनस टू, ये हो गया। अब एम की जगह पे क्या कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे पुट m इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस टेन, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट यहाँ पे कोएफिशिएंट वन होता है तो टेन वन सा टेन हो जाएगा। अब अगर आप टेन के ऐसे भी नंबर कोई भी नंबर ले लो जिनकी मल्टीप्लीकेशन अगर 10 है तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उन लोगों की एडिशन या सब्सट्रैक्शन माइनस टू नहीं आएगा, क्योंकि देखिए फाइव टू ज़ार टेन हो जाएगा तो माइनस थ्री आंसर आ जाएगा बट टू नहीं आएगा।
यहाँ पे भी अगर टू वन जै टू भी करोगे तो क्या हो जाएगा, उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन वन यानी वन या फिर फोर आएगा, बट यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यहीं पे तक का क्या है इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे इसके फैक्टर और नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे देखिए क्या है, y प्लस टू वाई माइनस थ्री वाई प्लस एट वाई प्लस थ्री प्लस 56 क्या है, फोर ब्रैकेट दिए गए। तो अब हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू टू का पैस लेके उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद पुट करेंगे m इज इक्वल टू क्या आता है वो देखेंगे। अब देखिए अगर हमने y प्लस टू को y माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया और y प्लस एट और y प्लस थ्री को इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम नहीं आ रहा, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे y प्लस टू और y प्लस थ्री इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फर्स्ट वाला फोर्थ वाला इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और सेकेंड और थर्ड वाला इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तब जाके क्या होता है थोड़ा आंसर सेम आ रहा है, तो सेम आना चाहिए, तब हम क्या करेंगे जो आंसर आएगा इज इक्वल टू पुट करेंगे m। तो चलिए क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे y प्लस टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका y प्लस टू और y प्लस थ्री, और सेकेंड वाला क्या करेंगे y प्लस एट और y माइनस थ्री इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और प्लस 56। तो अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आप चाहो तरफ में भी सॉल्व कर सकते हो, y क्या करते हैं हमको पता है, या तो फिर यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेंगे y प्लस थ्री और यहाँ पे क्या आएगा प्लस टू और y प्लस थ्री इन लोगों की मल्टीप्लीकेशन, और सेकेंड वाला जो है वो क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y और वापस क्या आ जाएगा y माइनस थ्री और एक फिर क्या आ जाएगा प्लस एट और y माइनस थ्री, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं आपको पता होगा प्लस 56। अब देखिए क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई y करोगे तो y स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाई y करोगे तो 3y प्लस 2y और प्लस 6, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड वाला ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y मल्टीप्लाई y वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 8y और 8y और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 3 24 और ये प्लस 56। अब क्या कर लेंगे y स्क्वायर प्लस वाई वाई की टर्म यानी एडिशन हो जाएगी प्लस है तो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 5y आएगा, सॉरी हाँ 5y और ये प्लस 6, ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 और y बड़े की साइन क्या है प्लस, यहाँ पे 5y माइनस 24 और प्लस 56। देखिए हमें ये और ये सेम मिला और हमें क्या करना था, ये सेम चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया है इन दोनों फर्स्ट और फोर्थ वाले की मल्टीप्लीकेशन और सेकेंड और थर्ड वाले की मल्टीप्लीकेशन किया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, पुट वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल्स टू m, दोनों में सेम आया इसलिए हम पुट कर रहे हैं, डिफरेंट होता तो हम नहीं पुट कर सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है y स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा m और प्लस 6, ये हो गया वापस क्या है y स्क्वायर प्लस 5y यानी m और माइनस 24 और प्लस 56, ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा वापस इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वापस क्या करना पड़ेगा, ये m है और ये प्लस 6 है और m माइनस 24 है, तो ये हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे m मल्टीप्लाई m माइनस 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए m मल्टीप्लाई m माइनस 24, आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वाला टर्म में ऐड कर ली हूँ मैं, आप नेक्स्ट वाला स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेप ऐड किया है 56। अब देखिए क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाई m m स्क्वायर माइनस 24 m प्लस 6 m और माइनस 24 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो क्या हो जाएगा 144 और ये प्लस 56। अब देखिए m स्क्वायर का m स्क्वायर माइनस 24 m है और 6 m है यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 6 माइनस करो तो कितना बच जाएगा 18 m और बड़े की साइन क्या है माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 144 में से 56 माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 88 और बड़े की संख्या माइनस तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस। अब देखिए अब क्या करना है, वहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी वन होता है, तो हम क्या कर लेंगे वन से अगर हमने 88 को मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस 88, यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस लिया माइनस 88 का, ऐसे टू फैक्टर्स निकालने जिनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 88 हो बट उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 18 आना चाहिए। तो देखिए 11 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में अगर करो तो 11 8 88 होता है, बट उनकी जो है माइनस और दोनों की क्या करना पड़ेगा हमें प्लस करना पड़ेगा,
बट अगर आपने 11 देखिए, अगर माइनस 11 और माइनस 8 किया तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी माइनस 88, ये हो गया। बट हमको आंसर में माइनस 88 चाहिए, बट ये दोनों गेट कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लीकेशन करते समय, इसलिए ये गेट नहीं ले सकते हम। अब क्या करो, 22 मल्टीप्लाई 4 कर लो, 22 मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या हो जाएगा, देखिए 88 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए बड़े की साइन माइनस लिया, छोटे की साइन प्लस लिया, तो 22 में से 4 माइनस करो तो 18, और बड़े की साइन माइनस 18, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी किया तो माइनस 88 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टर m माइनस 22 फैक्टर हो गया फर्स्ट वाला, और सेकेंड क्या हो जाएगा, m प्लस 4, ये हो गया। अब वापस क्या करते हैं पता है आपको, m की जगह पे क्या करेंगे, जो पुट किया है वाई स्क्वायर प्लस 5y, वहाँ पे m की जगह पे लिखेंगे। वापस क्या कर सकते हो आप, पुट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 5y, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5y। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे m इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू ये सेम हो गया ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y और प्लस सॉरी माइनस ट्वेंटी टू, और सेकेंड जो है वो क्या है, m है, यानी वाई स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 4, ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या करना है, 22 के फैक्टर्स निकालने। तो देखिए 22 के फैक्टर्स जो है क्या करना पड़ेगा, अभी माइनस 22 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई माइनस 22 किया तो माइनस 22, और माइनस 22 का एक ऐसे फैक्टर निकलना है जिनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 20 हो, बनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए, बट ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। 11 मल्टीप्लाई 2 करो, 11 टू दस 22 होता है, बट 11 में से 2 गए तो 9 बच रहा है, इसलिए इसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y और माइनस 22, ये ऐसे ही रहेगा। और सेकंड वाला जो इसका फैक्टर निकल सकता है, देखिए 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लस 1 है और यहाँ पे 5 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4, और इसका फैक्टर निकाल सकते हो, 4 1 4, और इनमें इसमें भी प्लस चाहिए और यहाँ पे भी प्लस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में प्लस ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे इसके इसकी जगह पे क्या कर लेंगे हम, वायू प्लस 4 लिख लेंगे एक बार, और एक बार वाई प्लस 1 लिख लेंगे, वाई प्लस 1, इस तरह से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ वाला कंप्लीट। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखिए, क्या वाई स्क्वायर प्लस 5y 1 ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में, क्या वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 और माइनस 20 सॉरी माइनस 2 और माइनस 24 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 5y वाई स्क्वायर 5y सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल्स टू m पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 5y, क्वेश्चन उतार रही हूँ मैं कॉपी करके, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 और माइनस 24, ये हो गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 5y की जगह पे हम क्या करेंगे, यम पुट करेंगे, यम, और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 5y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम और माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 है और ये माइनस 24। अब क्या करेंगे, m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यम मल्टीप्लाई यम, यम स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 मल्टीप्लाई यम, क्या 2m और माइनस 24, ये हो गया। आप क्या करना है, माइनस 24, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, यानी 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 24 किया तो माइनस 24, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 24 के 2 ऐसे नंबर्स यानी 2 ऐसे फैक्टर्स निकालने जिनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 24 हो, बट उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, माइनस 2 होना चाहिए। तो देखिए 6 4 का कितना होता है, 22 होता है, और हमें क्या चाहिए, माइनस में आंसर चाहिए, इसलिए बड़े की साइन माइनस देंगे और छोटे की साइन प्लस दे देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और इन लोगों की मल्टीप्लीकेशन माइनस 24 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम माइनस 6 होगा फर्स्ट, और सेकंड क्या हो जाएगा, यम प्लस 4, ये हो गया फैक्टर। अब क्या करते हैं पता है आपको, अब क्या करेंगे, जहाँ पे यम है वहाँ पे एम स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 5y पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे पुट एम इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y और माइनस 6, ये हो गया इसका। और सेकंड वाला क्या है, m है यानी वाई स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 4, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, y प्लस और इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा और इसका एक बार फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए माइनस 6 कोएफिशिएंट 1 है, यानी माइनस 6 को ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 तो 6 1 6 कर लोगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने प्लस और यहाँ पे माइनस दिया तब जाके क्या हो जाएगा,
सिक्स में से वन गया फाइव और बड़े की साइन प्लस है यानी प्लस, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस सिक्स आ रहा है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वाई वाई प्लस सिक्स और सेकंड क्या आएगा वाई माइनस वन। अब इसकी इसका इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना है, तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा देखिए, फोर है तो फोर का प्लस फोर का क्या हो जाएगा, फोर वनजा फोर, फोर वनजा फोर हो जाएगा, यानी प्लस प्लस करोगे तो फाइव हो जाएगा और फोर मल्टीप्लाई वन करोगे तो फोर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर प्लस वाई प्लस फोर और यहाँ पे क्या आएगा वाई प्लस वन। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है, क्या होना चाहिए सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन फैक्टर्स निकालने आना चाहिए बस। तो यहाँ पे हो गया इसका फैक्टर क्या निकला, वाई प्लस सिक्स और वाई माइनस सिक्स, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पॉलीनोमियल होगा, और वाई प्लस फोर और वाई प्लस वन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉलीनोमियल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिक्स वाला कंप्लीट हो गया। सेवन्थ वाला देखिए क्या, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर स्क्वायर है और एक्स माइनस फाइव और माइनस सिक्स, यानी थ्री ब्रैकेट दिए गए, फर्स्ट सेकंड वाले ब्रैकेट का स्क्वायर है बट दोनों ब्रैकेट क्या है ओनली पावर वन है। तो हम क्या कर लेंगे देखिए, इन दोनों की पावर वन है इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस थ्री और मल्टीप्लाई क्या कर लोगे एक्स माइनस फाइव, इन दोनों की पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, देन एक्स माइनस फोर स्क्वायर है और माइनस सिक्स है, और इनकी क्या कर लेंगे, ये क्या है फॉर्मूले में, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फाइव इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और इनका जो है ये फॉर्मूले है यानी ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सॉल्व करेंगे तो दोनों का जो है सेम आएगा, तो हम क्या कर लेंगे पुट करेंगे, एम जो आएगा उज इक्वल्स टू एम पुट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्स एक्स माइनस फाइव पहले क्या करते हैं, एक्स से एक्स माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस थ्री से एक्स माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने सीखा आपको आएगा, बहुत ईजी है, मतलब x से क्या करते हैं इसको पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस थ्री से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हो जाएगा x माइनस फोर ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस सिक्स, अब क्या करेंगे x मल्टीप्लाई x किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फाइव मल्टीप्लाई x किया तो फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस थ्री मल्टीप्लाई x किया तो थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन हो जाएगा। अब क्या ये होगा फर्स्ट वाला हमारा, और ये है x माइनस फोर का स्क्वायर और ये माइनस सिक्स। अब क्या करेंगे x एक्स स्क्वायर, अब देखिए x का और यहाँ पे पावर सेम है यानी इन लोगों की क्या कर लेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगी वो कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फाइव प्लस थ्री करोगे तो एट एक्स हो जाएगा, और बड़े की साइन क्या है माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस और ये प्लस फिफ्टीन, ये हो गया। आप क्या करना है इसको a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए x और मल्टीप्लाई स्क्वायर है यानी ब्रैकेट स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस और फोर टू ज़ा कितना होता है एट हो जाएगा, मतलब पहले क्या करते हैं पहले तो इसका स्क्वायर हो जाएगा देन तीनों की मल्टीप्लीकेशन देन इसकी, तो क्या हो जाएगा देखिए फोर टू ज़ा एट और एक्स यानी एट एक्स हो जाएगा, और माइनस का माइनस फोर का स्क्वायर यानी प्लस सिक्सटीन और माइनस सिक्स, ये हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टेस माइनस एट एक्स और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स दोनों क्या है सेम आया, और हमें क्या करना था सेम लाना था इसलिए हमने सॉल्व किया। तो पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे एम पुट कर लेंगे, यानी हमने क्या किया इसको एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लिया था, और इसको क्या करेंगे अब हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स की जगह पे यानी एम और प्लस फिफ्टीन, एम प्लस फिफ्टीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम प्लस सिक्सटीन, एम प्लस सिक्सटीन और ये माइनस सिक्स का माइनस सिक्स। अब क्या करेंगे एम प्लस फिफ्टीन और एम माइनस सिक्सटीन है तो इस ब्रैकेट को क्या कर लेंगे पहले सॉल्व कर लेंगे दोनों को, तो क्या करेंगे एम एम प्लस सिक्सटीन और प्लस फिफ्टीन से एम प्लस सिक्सटीन को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये माइनस सिक्स, तो एम मल्टीप्लाई एम किया तो एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सिक्सटीन मल्टीप्लाई एम किया तो सिक्सटीन एम हो जाएगा, प्लस फिफ्टीन मल्टीप्लाई एम किया तो फिफ्टीन एम हो जाएगा, प्लस सिक्सटीन मल्टीप्लाई फिफ्टीन किया तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन फाइव ज़ा एटी होता है ज़ीरो और सिक्सटीन वन ज़ा सिक्सटीन और एट ऐड करो तो टू फोर्टी और माइनस सिक्स, ये देखिए। आप चाहो तो क्या कर सकते हो ये बीच में जो है यानी ये एम प्लस सिक्सटीन और एम प्लस सिक्सटीन ये वाला स्किप कर सकते हो, ये मैंने आपको समझने के लिए ये फर्स्ट ये टर्म ऐड किया है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे इसके बाद ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और प्लस सिक्सटीन एम है और प्लस फिफ्टीन एम है, यानी क्या होगा यहाँ पे एम और पावर सेम है यानी एडिशन कर सकते हो, सिक्सटीन प्लस एम फिफ्टीन यानी थर्टी वन एम
और प्लस का प्लस, क्योंकि दोनों में प्लस इसलिए प्लस आया। अब देखिए 240 है और 240 में से प्लस माइनस माइनस 6 करना है, तो 240 में से 6 माइनस करो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 234 और बड़े की साइन प्लस है। अब क्या देखिए, 1 फैक्टर यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, नहीं 1 होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 को 234 से मल्टीप्लाई किया तो 234 का ऐसा दो नंबर्स निकालने। तो देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, पहले इसको फैक्टर्स निकाल लेंगे। 234 का फैक्टर निकलेगा क्या, 2 1 2 2 2 2 7 14, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वापस 3 के टेबल में आएगा, 3 3 9 एंड 3 9 9 27, बट वापस क्या आ जाएगा, 3 1 3 एंड 3 3 9 एंड 13 1 13, ये हो गए 234 के फैक्टर्स। अब देखिए ये 13 लास्ट का जो है वो क्या रहने देंगे, वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे देखिए 3 3 9 एंड 9 2 कितना होता है 18, तो इसका फैक्टर आप इस तरह से निकाल सकते हो, 13 या फिर 18 और ये 13, इन दोनों के एडिशन हमें क्या चाहिए, आंसर में भी एडिशन चाहिए, यानी दोनों तरफ आप एडिशन लगा सकते हो, ये हो गया आपका, और इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी 31, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 234 आ जाएगा। तो ये हो गया, तो आप क्या करेंगे, m प्लस 18 फर्स्ट हो गया फैक्टर, और सेकेंड फैक्टर क्या निकला, m प्लस 13, ये हो गया। अब क्या करते हैं, वापस क्या करेंगे, m की जगह पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x पुट करेंगे, तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, पुट एक्स स्क्वायर m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है ना, इसलिए 8x। अब यहाँ पे जहाँ पे भी m है वहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 18, और सेकेंड वाला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और प्लस 13। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस 18 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 13 है, तो 18 1 कोएफिशिएंट है यहाँ पे, तो 18 मल्टीप्लाई 1 किया तो 18 और 18 के फैक्टर्स निकालने, जैसे इनकी जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन माइनस 8 आना चाहिए, बट देखिए 18 1 18 किया तो भी क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 4 2 8 किया तो भी 6 आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। और यहाँ पे भी देखिए 13 के ओनली 13 के टेबल में इटसेल्फ में होता है वो, 13 1 13, तो 13 में से 1 एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो या फिर 12 या फिर 14 आएगा, माइनस 8 फैक्टर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका 7 वाला कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी और प्रैक्टिस सेट 3.6 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।